स्कैन भी कैसे किया, मैं एक छात्र का उदाहरण देता हूं। एक डॉक्टर, एक छात्र है सुमेर, सुमेर था आगे आप थोड़ा। एक दिन में इस छात्र ने 14,000 से अधिक पेज स्कैन किए और स्कैन करके उसको हमने प्रिंट निकलवाया। अब इसका कैटलॉगिंग काम भी करेंगे। पर एक दिन सरपी साहब, हमें सीपी साहब ने एक सर्टिफिकेट दिया, हम अभिभूत हैं आपको बताना चाहते। एक दिन सीपी साहब आए, ये मिलते हैं, जुलते हैं, छोड़ते हैं, चलते हैं। पर ये हम लोग एक साथ मिले और मिलने के बाद में 7-8 दिन खाना खाया कुछ लोगों ने। मैंने काम कैसे करें, वर्क टुगेदर, ईट टुगेदर लिखा ना, और फिर तय किया यार अपन क्या करें। धन तो बांगड़ बिरला के पास बहुत है, नहीं करेंगे ऐसे। प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी भी बहुत लोगों के पास, नहीं करेंगे। और तय किया कि हम चारण साहित्य पे काम करें। लगभग 2,00,000 किलोमीटर हम राजस्थान के गांव और ढाणियों में घूमे, वहां से धन मिला, वहां से हमको पांडुलिपियां मिली, वहां से हमको संबल मिला और ये संस्थान बन करके खड़ा हुआ। सीपी साहब आ गए, मैंने कहा संगत, मैं पिछले दिनों से एक किसी गीत या एक प्रसंग पे कोई ढूंढ रहा था, एक ऑथेंटिकेट मुझे वो चाहिए था, स्थान चाहिए था। वो टेबल के ऊपर जो उनके शक्तिदान जी के हाथ का लिखा हुआ जो प्रसंग था, गीत था, सौभाग्यवश से सीपी साहब के सामने उसी पे नजर पड़ गई। तो हमने कहा चलिए, आज का एक प्रमाण पत्र जो मिला ये हमारे लिए बहुत सार्थक हुआ। मैं माननीय बीसी साहब, मंचा सेना देती हूँ, माननीय अध्यक्ष जी, सीपी साहब, गजादान जी, डॉक्टर शर्मा जी, राजेंद्र सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वो 14,800 पेज जो हमने स्कैन किए या पीएचडी के लिए काम आएंगे, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए काम आएंगे, इतिहास के लेखन के लिए काम आएंगे, उसका विमोचन करें। वो हमें यहाँ लगाए हैं, उनको ला करके उसका विमोचन। मैं चाहता हूँ कि इस पर श्री गजेंद्र सिंह जी खड़िया है, आप लेक्चरर हैं और इसके ऊपर अपना प्रकाश डालें संक्षिप्त में, जो अपनी समय सीमा है। स्थानीय और हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। कोरोना काल में उनका स्वर्गवास हो गया था, उनका ग्रंथालय चारण साहित्य शोध संस्थान को मिला है। ये हमारे आने वाले शोधार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा शोध का आधार होगा। एक मूलभूत सामग्री हमको मिली है, 14,000 से अधिक गीत मिले हैं, 3,000 से अधिक पुस्तकें मिली है, और आज उनके संपूर्ण काव्य पे, उनकी कविता पे, उनके लेखने के ऊपर अलग अलग विद्वानों के आज यहाँ प्रवचन हो रहे हैं। और हमको श्रद्धांजलि देने के लिए और इनका लोकार्पण जो ग्रंथालय है उसका एक कार्यक्रम आयोजित किया। आज यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय आए हैं, हमारे यहाँ पर दयानंद महाविद्यालय के आचार्य हैं पद्मश्री डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी हैं, राजस्थानी शोध संस्थान चौपास में जोधपुर के अध्यक्ष चक्रवर्ती सिंह जी आए हैं और भी अन्य विद्वान लोग। ग्रंथों का विमोचन भी किया गया, हाँ, उनके ऊपर स्मृति ग्रंथ है उसका भी विमोचन।